नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेव मोशन आपकी यूनिट चल रही है। आइए आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हेडिंग डालें कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन करेंगे। यानी कंपोजिशन का मतलब है संयुक्त करना। तो इसका मतलब है दो पार्टिकल हैं, दो कण हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहे हैं। क्लियर है? दोनों एक ही डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो तब उन दोनों की इक्वेशंस अलग अलग होगी। तो उन दोनों की इक्वेशन से एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है? दो इक्वेशन से एक इक्वेशन। तो हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ, मैंने अर्थ बताया आपको कंपोजिशन का, यानी संयुग्मन कह सकते हो या संयुक्त करना है ना। तो कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लियर है? सरल आवर्त गति का संयुग्मन, क्लियर है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, का क्या कर रहे हैं हम, कंपोजिशन। क्लियर है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में है। अब सही से दिखा होगा आपको, ठीक है जी? तो कंपोजिशन करते हैं, तो मैंने बताया लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स, क्लियर है? दो पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप जानते हैं, और इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। क्लियर है? तो देखो, तो देन द इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर बोथ पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन अलग अलग हो जाएगी। आपको बताया है इक्वेशन जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो आपके याद होगी। तो इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बताएं क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, सरल आवर्त गति की समीकरणें। क्लियर है? ठीक है, याद आ गया होगा आपके, एक्स बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, यही तो होता है। लेकिन दो पार्टिकल हैं, तो पहले के लिए वन एक्स वन ए वन और यहाँ फाइ वन। क्लियर है? दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम। ओमेगा होता है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम, लेकिन एम्पलीट्यूड कैसा है, डिफरेंट। ठीक है, आयाम अलग है और कोणीय आवृत्ति कैसी है, सेम। क्लियर है? तो आप वेयर करके देखो, दूसरी इक्वेशन बताओ, एक्स टू बराबर ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइ टू। क्लियर है? जहां करके लिख सकते हो आप, लिख लेना वेयर ए वन एंड ए टू बी द, क्या आएंगे, एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, ए वन कॉमा ए टू बराबर एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स हैं, आयाम है। फाइव वन फाइव टू क्या है, फेज कांस्टेंट बोलते हैं इसे, मैंने बताया था आपको फेज कांस्टेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको वेयर करके लिखना है, ठीक है जी? तो आप देखो, बस एक रूल है, एक प्रिंसिपल है जिसे आप जानते होंगे, उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है आपने 11th क्लास में, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नहीं, यदि आप जानते होंगे और होगा सिलेबस में, तो मैं करा दूंगा, ठीक है? तो देखो, उस लॉ की हेल्प लेंगे, तो उस लॉ की हेल्प लो, तो लिखो फ्रॉम लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से। नहीं भी याद हो आपके तो देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे दो पार्टिकल हैं, है ना, दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही डायरेक्शन में। तो उनका पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो कितना है, एक्स वन। क्लियर है? पहले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना मान लो, एक्स वन, और दूसरे का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स टू मान लो। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कुल विस्थापन है, वो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, और यदि और पार्टिकल हो तो प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, है ना, इस तरीके से होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना,
तो वेक्टर सम के बराबर होता है, इसका मतलब है डायरेक्शन सेम है तो प्लस और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसकी हेल्प लेंगे, तो देखो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्लियर है? तो यहाँ पे बताओ एक्स वन और एक्स टू दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, एक्स वन की वैल्यू ये रही ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, क्लियर है? तो यहाँ से देखो इनका फॉर्मूला खोलो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन का और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू का। तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, क्या होता है साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो बस ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी, क्लियर है? तो आप एक बार देख के बताओ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, याद है ना ये फॉर्मूला? चलो तो इधर से लिख लो, चलो है ना काफ़ी जगह चाहिए। तो देखो ए वन ऐसे रहने दो, ये क्या हो जाएगा साइन ए, ए यानी ओमेगा टी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, क्लियर है जी? ये फॉर्मूला ओपन किया, अब इधर भी ऐसी प्लस ए टू, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी, ठीक है जी, प्लस कोस ए इंटू साइन बी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना? एक काम करो, साइन ओमेगा टी वाले एक साथ ले लो, कोस ओमेगा टी वाले एक साथ ले लो। तो देखो साइन ओमेगा टी वाले एक साथ लेंगे, ठीक है जी, तो क्या बचा ए वन कोस फाइव, ए वन कोस फाइव वन, क्लियर है? साइन ओमेगा टी वाले साथ ले रहे हैं, और यहाँ देखो साइन ओमेगा टी तो बाहर कॉमन है, क्या बचा ए टू कोस फाइव प्लस में ए टू कोस फाइव टू, है ना, क्लियर है? प्लस अब के कोस ओमेगा टी वाले एक साथ ले लो, कोस ओमेगा टी वाले, है ना, तो कोस ओमेगा टी वाले साथ हो गए, तो ए वन साइन फाइव वन, ए वन साइन फाइव वन, क्लियर है? ए वन साइन फाइव वन, क्लियर है? और देखो कोस ओमेगा टी कॉमन ले लिया है, प्लस ए टू साइन फाइव टू, ठीक है जी? देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इसका मतलब है इसे और इसे कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके का डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ पहले भी, पुट ए वन कोस फाइव वन प्लस ए टू कोस फाइव टू, इसे कुछ मानना पड़ेगा, तो क्या मानना पड़ेगा साइन ए कोस बी, तो कोस में मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कोस फाइव मान लो और ए कह दो, ठीक है? इसे भी मानो ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, इसे भी मानो कुछ, तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन की टर्म में मानना पड़ेगा, तो साइन फाइव मान लो और यहाँ ए मानना पड़ेगा, ठीक है जी? तो ये दोनों वैल्यूज आपको कहाँ रखनी है, ऊपर रख देनी है, कहाँ करूँ, चलो यहाँ कर लेते हैं या इधर कर लो, ये दोनों वैल्यू ऊपर रखो, सो तो x बराबर क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी और इनटू इस सारे की जगह रखो a cos phi प्लस cos ओमेगा टी, ठीक है जी, और इस सारे की जगह रखो a sin phi, ठीक है जी? तो x बराबर a बाहर ले लो, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है जी? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर बन जाएगा फॉर्मूला, तो एक्स बराबर आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। भाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है, ए की जगह ओमेगा टी है, बी की जगह फाई है,
तो कितना आया आपका x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देखो यही तो समीकरण होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और ये दो समीकरणों की हेल्प से सहायता से है ना आपने एक समीकरण बना दी है। इसका मतलब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पार्टिकल के द्वारा हो रही है फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा, तो ये उसकी इक्वेशन है। जो दूसरा पार्टिकल है उसके द्वारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, ये उसकी समीकरण इक्वेशन है, समीकरण है ना। तो इन दोनों से एक इक्वेशन बन गई, यानी आपने कंपोजिशन क्रिएट की, किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दोनों को संयुक्त कर दिया है, ठीक है, दोनों को एक साथ कर दिया है, क्लियर है। तो यहाँ तक नोट करो, अब बस इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट करो या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं आगे, ठीक है, चलें आगे फिर, चलो आप है ना कर लेना अपने हिसाब से, मैं इधर से रफ कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ठीक है, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अब हमें पहले एम्पलीट्यूड निकालना है ना, ए ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप खुद बताएं, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, है ना। तो लिखो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर, क्लियर है, दोनों का वर्ग करके क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, आयाम। देखो तो लिख लेना ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। देखो तो इधर देखो ए वन कोस फाइव वन प्लस ए टू कोस फाइव टू का होल स्क्वायर प्लस ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है जी। तो यहां से देखो होल स्क्वायर खोलो और इसका भी होल स्क्वायर खोलो, तो देखो क्या आएगा, इधर दिख रहा होगा आपको ए वन स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव वन प्लस, ठीक है, चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है, चलो देखो इसका होल स्क्वायर करो ए टू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव टू प्लस टू ए वन ए टू, ठीक है जी, टू ए वन ए टू और क्या बचेगा, कोस फाइव वन इंटू कोस फाइव टू प्लस ऐसे यहाँ करो ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव टू, है ना, और प्लस टू ए वन ए टू साइन फाइव वन इंटू साइन फाइव टू, ठीक है जी, और बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन को पहले लिख लो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, क्लियर है। देखो ये वाला और ये वाला साथ लो तो देखो क्या बचेगा, ए वन स्क्वायर साइन को पहले लिख लो, ठीक है, आप शॉर्ट भी मार सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वन भी कर सकते हो, ठीक है ना, प्लस इसे और इसे साथ लिखो तो ए टू स्क्वायर साइन को पहले लिखो साइन स्क्वायर क्या आएगा फाइव टू प्लस कोस स्क्वायर फाइव टू, ठीक है जी। ये इन दोनों की बात हुई, अब ये बचे केवल, है ना, तो इसमें से टू ए वन ए टू कॉमन ले लो, टू ए वन ए टू दोनों में से कॉमन आया तो ये क्या बचेगा, साइन फाइव वन फाइव टू और प्लस कोस फाइव वन फाइव टू, ठीक है, बल्कि कोस वाले को ही पहले रहने दो क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा कोस फाइव वन फाइव टू, वो कोस फाइव वन इंटू कोस फाइव टू प्लस क्या आएगा साइन फाइव वन और इंटू साइन फाइव टू, ठीक है जी, और ये बराबर किसके बचेगा, ए स्क्वायर के, ये सारा कितना हो गया वन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव क्या होता है वन, ये कितना हो गया वन, ये कितना हो गया वन। तो देखो
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? कोस ए माइनस बी का। क्लियर है ना, याद है आपको फॉर्मूले? ठीक है, चारों फॉर्मूले याद रख लेना। एक साइन ए प्लस बी का होता है, एक साइन ए माइनस बी का होता है, और एक कोस ए प्लस बी का होता है, कोस ए माइनस बी का होता है। ठीक है, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, देखो ये तो वन हो जाएगा, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा, प्लस टू ए वन ए टू, और ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी। ए के प्लेस पर फाइव वन है और बी के प्लेस पर फाइव टू है, और बराबर ए स्क्वायर। आपको ए निकालना है तो स्क्वायर को इधर ले आओ, अंडर रूट आ जाएगा, तो ए बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, और इंटू में कोस फाइव वन माइनस फाइव टू। क्लियर है? तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना था, आयाम आपने निकाल दिया है, और साथ में देखो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए समझ लेते हैं, इधर देखें, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, आयाम जो है वो अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अधिकतम आयाम। क्लियर है? तो आपको पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब होगा जब इसकी वैल्यू कॉस की मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर दिस, इसके लिए क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए जो कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू है वो किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम यानी प्लस वन, क्योंकि आपको पता है कॉस की और साइन की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक चलती है, तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। क्लियर है? चलो, या ऐसा कह सकते हो कि माइनस वन भी मैक्सिमम है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। ठीक है, ठीक है, तो देखो वन का मतलब है कोस जीरो की वैल्यू, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कोस फाइव वन माइनस फाइव टू बराबर कोस जीरो की वैल्यू है वन, कोस टू पाई की भी वैल्यू वन है, कोस फोर पाई की भी वैल्यू वन है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कोस फाइव वन माइनस फाइव टू बराबर कोस टू एन पाई। क्लियर है? एन की जगह जीरो रखो ये आएगा, एन की जगह वन रखो ये आएगा, टू रखोगे ये रख आएगा, तो इसका मतलब है जहाँ एन कहाँ से कहाँ तक है, वेयर एन जो है ना वो जीरो वन टू थ्री ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है अब आपका ये रफ कर देता हूं मैं, है ना, फाइव वन माइनस फाइव टू कितना आ जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू आपका निकल गया आएगा यहां से, फाइव वन माइनस फाइव टू किसके बराबर, टू एन पाई के। ठीक है, ये प्रतिबंध है, ठीक है, क्या है, कंडीशन है किसकी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, तो ये तो कंडीशन है, और मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कितना तो वो देख लेते हैं। देखो ए मैक्सिमम बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, और कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू कितना होना चाहिए आपका, वन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा टू ए वन ए टू। ठीक है जी, तो देखो ए मैक्सिमम बराबर अंडर रूट ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये देखो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए मैक्सिमम बराबर ये आ जाएगा ए वन प्लस ए टू। ठीक है जी, ए मैक्सिमम बराबर ए वन प्लस ए टू। क्लियर है? ये मैक्सिमम क्या था, एम्पलीट्यूड था। ठीक है, नोट कीजिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बाद अब बात कर लेते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड की, यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड का क्या अर्थ हुआ, है ना, न्यूनतम आयाम। ठीक है, तो देखो इसके लिए कितना हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट है फॉर दिस, क्या आ जाएगा, देखो ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब है कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू मिनिमम, यानी मैक्सिमम तो प्लस वन और मिनिमम माइनस वन। ठीक है, देखो माइनस वैल्यू किसकी होती है कोस में,
माइनस वैल्यू होती है कॉस पाई की, ठीक है। कॉस जीरो का मान वन है तो कॉस पाई का माइनस वन, ठीक है। तो पाई और फिर थ्री पाई और फिर फाइव पाई, आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू निकाल के, माइनस वन ही आएगी। तो कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू बराबर कॉस, ये हो जाएगा आपका टू एन प्लस वन इंटू पाई, ठीक है। और आप देखें वेयर जो एन है वो जीरो कॉमा वन कॉमा टू इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। एन की जगह जीरो रखो, ये आ जाएगा, ठीक है। पाई वन रखो, थ्री पाई आएगा, टू रखो, फाइव पाई आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखो फाइव वन माइनस फाइव टू कितना आया, टू एन प्लस वन इंटू पाई। ये कंडीशन है किसकी, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कंडीशन है, क्लियर है। तो कंडीशन तो ये है, और आपसे मिनिमम एम्पलीट्यूड निकलवाने लगे तो देखो ए मिनिमम तो अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, और देखो इसकी वैल्यू माइनस वन है, मिनिमम तभी तो आएगा, तो माइनस टू ए वन ए टू हो जाएगा, ठीक है। तो ए मिनिमम बराबर ये हो जाएगा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, क्लियर है। या ए टू माइनस ए वन का होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो एक काम करो, डिफरेंस लगा लो, जो उनसे भी ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटा देते हैं, ठीक है। डिफरेंस का मतलब ये होता है स्क्वायर से अंडर रूट खत्म। तो ए मिनिमम कितना आएगा, ए वन डिफरेंस ए टू, ठीक है जी। ए मिनिमम कितना आएगा, ए वन डिफरेंस ए टू, क्लियर है। यहां तक बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है, नोट कीजिए। चलें फिर आगे, थोड़ा सा और रह गया है बस। तो एम्पलीट्यूड के बारे में हमने बात की, अब हम बात कर लेते हैं टेन फाई निकालेंगे। यहां से टेन फाई कैसे निकलेगा, फाई निकालना है ना, तो फाई कैसे निकलेगा, जब टेन फाई निकलेगा तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो है ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, करो आप, मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ। देखो तो इस इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है। वी हैव इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट से। तो देखो सेकंड ऊपर, इसका मतलब है ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू अपॉन क्या आएगा, ए वन कोस फाइव वन प्लस ए टू कोस फाइव टू और बराबर ए साइन फाइव और इधर ए कॉस फाई, ठीक है जी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइव फाइव टू से फाइव टू और फाइव वन से फाइव वन, ए टू से ए टू, ए वन से ए वन, ठीक कह रहा हूँ। चलो समझ गए होंगे आप, ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है ना। पता नहीं एक ने कर दिया था, वो पता नहीं क्या क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्स से एक्स काट दिया, है ना। तो ऐसे नहीं काटते, ठीक है। हाँ मैंने किया था वो काम। चलो किसी और की बात नहीं है, मेरी 10th क्लास की बात थी, है ना, है ना। चलो कर लेंगे ना, चलो। और हाँ देखो इस पे तो एक वो भी आता है, मैं आपको बता ही दूँ, बात याद आई तो, इस तरीके से है ना, अपॉन में एन, इस तरीके से। तो एन से एन कटा तो क्या बचेगा, वन प्लस सिक्स एस आई एक्स, तो वन प्लस सिक्स बराबर सेवन। तो मैथमेटिक्स की लंका लगा है पूरी, है ना। हाँ ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं करना आपको, ये क्या है, गलत सिद्धांत है सब। देखो जो बचा ये टेन फाइव बचेगा, तो मैं लिख लेता हूँ टेन फाइव डायरेक्ट ही। तो टेन फाइव कितना आएगा, देखो ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, ठीक है, और अपॉन ए वन कोस फाइव वन प्लस ए टू कोस फाइव टू, ठीक है जी। टेन फाइव आपका आया है, फाइव निकालना हो तो टेन को इधर ले जाओ, टेन
टेन इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन जो है आपका कंप्लीट हुआ, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कर लेंगे ना यहाँ तक? चलो, तो इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर यूनिट जो है इसकी फर्स्ट और सेकंड बुक की पड़ी हुई है, आप यूनिट के नाम से सर्च किया कीजिए। बहुत मैसेज आते हैं कि बुक की पीडीएफ, यूनिट की पीडीएफ, है ना? तो सभी टेलीग्राम चैनल पर हैं, आप बस यूनिट के नाम से सर्च करें, ठीक है? और बाकी आप यदि हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ मिनिमम फीस रखी गई है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन पे नंबर है। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपको तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट।